हेलो फ्रेंड्स, जयंत मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और अगेन आपका वेलकम वेलकम अगेन। और मैं आज अपने जो हमारे बडिंग फेज के यानी बी फार्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पेसिफिकली उनको वेलकम करता हूँ, वेलकम इन फार्मेसी एजुकेशन। और साथ ही मैंने कुछ कलीग्स का देखा था कि प्रॉब्लम थी उन्हें थ्योरी कितनी है, प्रैक्टिकल्स कितनी है, किसका मार्क्स कितना है, बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी। तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हम फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी पेपर्स आपके हैं, कितने मार्क्स के हैं, सेशनल कितने नंबर का है, आपके कंटिन्यूअस मोड कितने के हैं, किसमें कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हम वो सारा लाएंगे। आपको कोर्स कोड भी बताएंगे, कोर्स कोड में कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। और अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका मोटिव ही यही था कि अगर मैं फार्मेसी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा मोटिव रहा कि मैं फार्मेसी सेगमेंट में अगर जो अपने फार्मेसिस्ट की प्रॉब्लम्स हैं या जो फार्मेसी एजुकेशन लेने वाले बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर मैं 0.2% भी कम कर पाया, सॉर्ट आउट कर पाया, इट मीन्स आई एम लिविंग माई फार्मेसी। यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी फार्मेसी की जो है, जिसको मैंने डेडिकेट किया, मैं उसको जी पा रहा हूँ और मुझे इस पर गर्व होता है। और मैं चाहता हूँ हर फार्मासिस्ट, कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। आइए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कोर्स कोड की हम बात करें, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कोर्स कोड। ये देखिए बीपी बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए है, बीपी 101 टी थ्योरी के लिए स्टैंड होता है, बीपी 102 टी, बीपी 103 टी, बीपी 104 टी, बीपी 105 टी, बीपी 106 आरबीटी और बीपी 106 आरएमटी। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीपी 101 टी है थ्योरी का, वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, और बीपी 102 टी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बीपी 103 टी फार्मास्यूटिक्स 1, बीपी 104 टी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीपी 105 टी कम्युनिकेशन स्किल्स, बीपी 106 आरबीटी रेमेडियल बायोलॉजी। जो लोग इंटरमीडिएट मैथ से करके जाते हैं उन लोगों को रेमेडियल बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है इस फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी से जाते हैं उनको रेमेडियल मैथ्स पढ़ना होता है। ये है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअस मोड के 10-10 मार्क्स आपके सारे के हैं, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन स्किल में आप देखिए 20 मार्क्स हैं जो कंटिन्यूअस मोड का, और रेमेडियल बायोलॉजी या मैथ में 20 मार्क्स का। सेशनल की हम बात करें तो सेशनल एग्जाम बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके 15 मार्क्स के सेशनल हो रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका 30 मार्क्स का सेशनल है, और रेमेडियल बायोलॉजी या मैथ का भी 30 मार्क्स का है। तो अगर हम टोटल बात करें कि सेशनल के मार्क्स कितने हो गए, तो आप देख सकते हैं 10+15 मिलकर के ये 25 का हो गया, ये 10+15 मिलके 25, ये 10+15 मिलके 25, 10+15 25, ये आपका 20+30 50, ऐसे 20+30 50, ये टोटल मार्क्स हुए। आपको कितने पेपर में सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है, तो आप देखिए सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका होगा 75 मार्क्स का, 1 2 3 4, यानी कि 4 पेपर्स आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम आपको देने हैं। और टोटल की हम बात करें तो 25 ये था प्लस 75 यानी 100 मार्क्स का टोटल पेपर, ऐसे 25+75 100 मार्क्स, 25 75 100 25 75 100। और ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है ये 50 का, इसका कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। ऐसे ही रेमेडियल बायोलॉजी या रेमेडियल मैथ में आपको कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं देना, ये भी 50 मार्क्स का। तो अगर हम बात करें थ्योरी सब्जेक्ट की तो ये आपके 500 मार्क्स के हो गए। अब हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिकल्स में भी देख लीजिए आप, 6 प्रैक्टिकल्स हैं आपके। तो यहाँ पे भी कोर्स कोड आप देख लीजिए, बीपी 107 और लास्ट में पी लगा, पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल। ऐसे आप देखिए बीपी 107 पी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, इसका भी कंटिन्यूअस मोड देखेंगे 5 मार्क्स का, सेशनल एग्जाम 10 का, टोटल हो गया 50 यानी 5+10 15 हो गया, और सेमेस्टर एग्जाम आपको 35 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल बात करेंगे 15+35 यानी कि 50 मार्क्स का। ऐसे ही बीपी 108 पी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आप देख सकते हैं सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। और ऐसे ही हम बात करें बीपी 109 पी फार्मास्यूटिक्स 1, यहाँ भी 5, 10, 15, 35, 5+10, 15 और ये आपका हो गया +15+35, ये आपका मिल जा रहा था 50 मार्क्स का टोटल। ऐसे ही बीपी 110 पी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका ये भी 50 मार्क्स का। बात करें बीपी 111 पी कम्युनिकेशन स्किल के प्रैक्टिकल की, यहाँ पे कंटिन्यूअस मोड का मार्क्स है 10, आपका सेशनल एग्जाम का है 15 यानी टोटल हो रहा है 25, आपका सेमेस्टर एग्जाम इसका नहीं होगा, आपका 25 ही ये रह जाएगा। ऐसे बीपी 112 आरबीपी यानी रेमेडियल बायोलॉजी प्रैक्टिकल का, रेमेडियल बायोलॉजी में देखिए 10 कंटिन्यूअस मोड, 15 सेशनल,
यानी ये मिलके हो गया 25, और आपका ये बाहर सेमेस्टर एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपका ये 25, यानी टोटल हम बात करें प्रैक्टिकल्स कितने हो गए मार्क्स के, 250 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 500 मार्क्स के थ्योरी आप दे रहे हैं और 250 के प्रैक्टिकल्स, यानी कि टोटल आप दे रहे हैं कितना, 750 मार्क्स का। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे कलीग्स हैं, तो आपने देखा कि आपके 6 थ्योरी के पेपर्स हो रहे हैं, 6 प्रैक्टिकल्स के पेपर हो रहे हैं, और जहाँ पे भी कोर्स कोड में आपका जैसे BP107P, यानी पी स्टैंड फॉर प्रैक्टिकल, और देखेंगे 106 के इधर वाले आपके 101 से 106 तक थ्योरी के पेपर्स हैं, और 107 से लेकर के 112 तक आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टोटल 750 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस टोटल मार्किंग रहती है। अब आप अपना स्कोर यहाँ देख सकते हैं कि हमें कितना स्कोर करना है, कितना अचीव करना है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कोर्स कोड के बारे में। हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में जहाँ पे प्रॉब्लम है, प्लीज़ लेट मी नो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस चैनल इज़ टोटली डेडिकेटेड टू फार्मेसी, यानी जो भी हमारे फार्मेसी फील्ड के लोग हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। आई एम वर्किंग ऑन दैट कि जो भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन हैं मैं आपको पहुंचा सकूं, ताकि मेरे फार्मेसी करने वाले लोगों का सर उठा ही रहे। मैं नहीं चाहता फार्मेसी के लोगों का सर झुके, तो इस कहते ना, इस मोटिव के साथ मैं काम कर रहा हूं। तो इस मोटिव में, ये मोटिव तभी सफल होगा जब आप सभी का कोऑपरेशन, आप सभी का लव एंड अफेक्शन मिलेगा। मेरे पास कोई एकेडमी नहीं है जिसके मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से डिग्री डी फार्म की दूंगा, बट मैं जानता हूँ कि डिग्री आप कहीं किसी कॉलेज से ले सकते हैं, बट स्किल्ड फार्मासिस्ट बनाने का काम हमारा है, एंड आई विल मेक यू स्किल्ड फार्मासिस्ट। एक स्ट्रगल है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है हमारे इंडिया में जैसे कंडीशन है, बट वी विल मेक इट पॉसिबल, आई विल मेक यू द स्किल्ड फार्मासिस्ट, दैट इज द नीड ऑफ दिस सेंचुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।